नई रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल की नई अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहे, और इस रेसिपी और हमारे चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर करें। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए लाई हूँ पूरण पोली। यह महाराष्ट्र की फेमस पूरण पोली है जो कि विशेष त्योहारों पर बनाई जाती है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी होती है और इसे दाल, दही और घी के साथ खाया जाता है। अलग अलग प्रांतों में ये अलग अलग स्टाइल से बनाई जाती है। आज मैं आपको इसकी सबसे सरल विधि बता रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने आटा लगाने के लिए गेहूं के आटे को पहले मैंने बारीक छलनी से छान लिया था। उसे एक बर्तन में लें, उसमें नमक और हल्दी डाल लें। अब इसमें एक चम्मच घी डालें और इसे अच्छे से मिक्स करके पानी की सहायता से हम एक सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। फ्रेंड्स, पूरण पोली बनाने के लिए हमें बारीक आटा चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप मैदा का यूज़ ना करें, यहाँ पे हम गेहूं को ही बारीक छलनी से छान लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे सॉफ्ट और स्टिकी आटा लगा लिया है। अब हम इसे खूब अच्छे से गूंदेंगे और थोड़ा सा पानी इसके ऊपर और छिड़केंगे और ताकि यह आटा और लचीला हो जाए। अब हम इसे ढक कर करीब 30 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। फ्रेंड्स, ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। ये पूरण पोली तभी अच्छी बनेगी जब आप इसे इस तरह से सॉफ्ट गूंदेंगे। 30 मिनट के बाद हम इसे वापस से गूंदेंगे। देखिए, हमें इस तरह का इलास्टिसिटी वाला आटा चाहिए। अब इसे वापस से गूंदें और इसे चिकना कर लें। हाथों में थोड़ा सा घी लगाएं। आप यहाँ पर तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर मैंने ये पूरी पूरण पोली घी से ही बनाई है। इस तरह से हमारे पास में ये आटा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। इसे ढककर साइड में रखते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने चने की दाल को पहले ही 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसे हम इसी पानी के साथ में कुकर में डालेंगे और जरूरत के अनुसार आधा कप पानी और डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा घी डालकर अच्छे से पका लेंगे। 3 से 4 विसल लेंगे तो ये अच्छे से पक जाएगी, क्योंकि हमने दाल को पहले से ही भिगो रखा था। देखिए, इस तरह से दाल अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसका सभी एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। एक छलनी में छानते हुए इसका सारा पानी निकाल दें। फ्रेंड्स, पानी को फेंके ना, उस पानी से हम दाल बनाएंगे जिससे कि पूरण पोली खाई जाती है, जिसे कि आमटी कहते हैं। अब स्टफिंग के लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी लिया है। अब इसमें बॉइल्ड दाल डालें और चीनी और गुड़ डालें। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चाहें तो सारी चीनी डाल सकते हैं या फिर आप ओनली गुड़ डाल सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है, पर मैं यहाँ पे दोनों 50-50% डाल रही हूँ। अब इसमें हल्दी और नमक डालें और इसे गाढ़ा होने तक मीडियम फ्लेम पर पका लें। देखिए, धीरे धीरे चीनी और गुड़ ने अपना पिघलना शुरू कर दिया है, काफ़ी ढीला हो गया है, पर हम इसे धीरे धीरे इसे पकाएंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा। करीब इस प्रोसेस में 7 से 8 मिनट लगते हैं। इस तरह से हम इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। मैंने यहाँ पर गुड़ जो लिया था वह देसी था, इसलिए इसका कलर थोड़ा डार्क आया है। अब गैस को बंद कर दें। इसमें इलायची पाउडर और थोड़ा सा जायफल कद्दूकस करके डाल दें। यह आपकी चॉइस के ऊपर है। यदि आपको नटमेग का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें डालें, इसे पूरण पोली और भी टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, पूरण पोली महाराष्ट्र में सभी मुख्य त्योहारों पर बनाई जाती है और बहुत ही शौक से खाया जाता है। अब हम इसके पूरण को बारीक करने के लिए एक मिक्सर जार में डालेंगे और अच्छे से पीस लेंगे ताकि एकदम स्मूथ हो और हमारी पूरण पोली अच्छी फूली फूली बने। इस पूरण को आपस से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लें। हमारा आटा भी तैयार है और ये भरने के लिए स्टफिंग भी तैयार है। स्टफिंग को यहाँ पर पूरण कहा जाता है और पोली मतलब रोटी। तो अब हमने जो आटा तैयार किया था उसके एक मुट्ठी भर के आटा लेंगे और उससे एक गोल बॉल बना लेंगे।
बॉल को सूखे आटे से डस्ट करेंगे और इसे हाथों से स्प्रेड करेंगे। आटा काफ़ी सॉफ्ट और लचीला होता है और बहुत ही आसानी से हाथ से फैल जाता है। ट्रेडिशनली इसे हाथ से ही बनाया जाता है। अब जितना हमने आटा लिया था उतना ही हम स्टफिंग लेंगे और उसे आटे की जो डिस्क बनाई थी उसके बीच में रखकर सब तरफ से अच्छे से सील कर देंगे। और आप देख सकते हैं ऊपर जो आटा इकट्ठा हो रहा है, इस एक्स्ट्रा आटे को हम तोड़कर अलग कर देंगे। ऐसा करने से पूरन पोली सब तरफ से इवनली बनती है और जब हम खाते हैं तो कहीं पर आटा ज़्यादा और पूरन ज़्यादा ऐसा नहीं लगता है। इवनली टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब थोड़ा सा आटा इस पर डस्ट करें और इसे हाथों से इस तरह से दबाते हुए फैलाएं। ऐसा करने से जो पूरन है वह सब तरफ इवनली फैलता है। नहीं तो कई बार देखते हैं कि हम जो पराठा बनाते हैं स्टफिंग का, उसमें कहीं पे स्टफिंग जहर रहती है, कहीं पे प्लेन आटा रहता है। तो इस तरह से आप यदि पूरन को हाथों से स्प्रेड करेंगे तो पूरन एकदम अच्छे से स्प्रेड होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और एकदम फूली फूली पूरियाँ बनती हैं। तो मैं ये छोटे छोटे टिप्स बता रही हूँ, उन्हें अगर यदि आप फॉलो करेंगे तो आप खूब बढ़िया पूरन पूरी मिनटों में बना सकेंगे। अब आप चाहे तो यहाँ पर इसको धीरे धीरे बेलन से भी बेल सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दें नहीं तो स्टफिंग बाहर निकल सकती है। इस तरह से देखिए हमने पूरी पूरन पूरी को अच्छे से बेल लिया है। अब मैंने तवे को यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर गर्म किया है। पूरन को उस पर पोली को उस पर रखें और उसको दोनों साइड से अच्छे से सेक लें। फ्रेंड्स, ये रेसिपी मेरी फ्रेंड शीतल ने बताई है। मैं महाराष्ट्र की है और मैं राजस्थान की हूँ। सच में बहुत मज़ा आया मुझे पूरन पोली बना के। हमने हमारी मेरी फैमिली ने इस पूरन पोली को बहुत एंजॉय किया। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो मैं टिप्स बता रही हूँ यह भी मेरी फ्रेंड शीतल के ही हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अब इस पर दोनों तरफ से घी लगाएं और इसे अच्छे से दबाते हुए सेक लें, जिस तरह से कि हम पराठा सेकते हैं। इस तरह से दोनों तरफ घी लगाएं और इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेकने दें। तेज आंच पर ये जल सकती है क्योंकि आटा बहुत ही पतला है। देखिए कितनी बढ़िया पूरन पूरी बनकर आई है, एकदम गुब्बारे जैसी फूल रही है। तो फ्रेंड्स, इस बार आप फेस्टिवल पे इसे ज़रूर बनाएं और इस मज़ेदार स्वादिष्ट पूरन पूरी को एंजॉय करें। अब मैं इस तरह से सभी पूरन पूरी को बनाकर तैयार कर लूँगी। फ्रेंड्स, पूरन पूरी बनाने में मुझे बहुत मज़ा आया। मेरी फ्रेंड ने भी मेरे साथ दिया, हेल्प किया और हम दोनों फैमिलीज ने इस पूरन पूरी को साथ में एंजॉय किया। आप देख सकते हैं पूरन पूरी बनाना कितना इजी है। इस तरह से हम फूड के माध्यम से एक दूसरे स्टेट्स और प्रांतों के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं और हमारी प्रेम और आपसी सद्भावना बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से सभी फूड्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें और इसी तरह से सबसे प्यार और मोहब्बत से रहें, इस तरह से मैंने सभी पूरन पूरी बना ली है। इसे घी, दही और दाल से खाया जाता है। देखिए, मुझे पूरन पूरी दाल से पसंद है क्योंकि मीठी होती है और दाल थोड़ी चटपटी होती है, तो इन दोनों का मेल बहुत ही बढ़िया लगता है। फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया पूरन पूरी बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।